नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स यारी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नितिन भारद्वाज। राजकोट टेस्ट मुकाबले की शानदार जीत से यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, इन सब को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। आईसीसी रैंकिंग्स में कुछ प्लेयर्स टॉप पे आ चुके हैं और कुछ प्लेयर्स की रैंकिंग्स में इजाफा हुआ है। तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि कौन से प्लेयर की क्या है करंट स्टैंडिंग। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में टॉप 10 में फिलहाल की इंडियन टीम में से कोई भी प्लेयर नहीं है, सिवाय विराट कोहली के। टॉप 10 में आपको कोई नाम नहीं देखेगा और विराट कोहली की भी रैंकिंग जो है वो नंबर 7 पर है। लेकिन जायसवाल और रोहित शर्मा वो टॉप 20 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो पहले टॉप 10 से खिसक कर वो टॉप 15 में आ गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे रैंकिंग्स आगे बढ़ रही है और रोहित शर्मा नंबर 12 पर आ चुके हैं। पहले रैंकिंग 13 थी, अब 12 पर आ गए रोहित। वहीं अगर हम जायसवाल की बात करें तो जायसवाल को फायदा हुआ है, काफी रैंकिंग्स का इजाफा हुआ है जायसवाल की और जायसवाल भी नंबर 15 पर आ गए, यानी कि टॉप 15 में जायसवाल की एंट्री हो गई है। और वहीं देखें नंबर 14 पर आपको ऋषभ पंत का नाम दिख रहा है। तो बैटिंग में टॉप 10 में तो ना सही, लेकिन जायसवाल टॉप 15 में आ गए हैं और रोहित शर्मा नंबर 12 की रैंकिंग पर आ गए हैं। अब बात करते हैं जरा बॉलिंग की। अगर आप बॉलिंग देखें तो ये रविंद्र जडेजा है, ये ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में सबसे ऊपर आ चुके हैं। यहां पर देख सकते हैं आपके नंबर 1 रविंद्र जडेजा, नंबर 2 रविचंद्रन अश्विन है, उसके बाद नंबर 4 पर अक्षर पटेल है। हालांकि अक्षर पटेल को इस सीरीज में अब तक इतना खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अक्षर टॉप 5 में बरकरार है। अब बॉलिंग पर आ जाएं, बॉलिंग देखें तो बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह ने भाई टॉप कर दिया है, नंबर 1 बन गए, नंबर 1 टेस्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। रैंकिंग्स देखें 876 पॉइंट्स हैं उनके। और नंबर 2 पर आप देख सकते हैं कि रविचंद्रन अश्विन है, उसके बाद आप देखें कि छठे नंबर पर आपको रविंद्र जडेजा मिल जाते हैं। तो तीन इंडियन बॉलर्स जो टॉप 10 की रैंकिंग में भी हैं और इनमें से दो हमारे प्लेयर जो है वो ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी आते हैं, जडेजा और अश्विन। तो काफी ज्यादा फायदा हुआ है दोस्तों शानदार प्रदर्शन का यहां पर हमारे सारे प्लेयर्स का। आईसीसी रैंकिंग्स में कुछ टॉप पर आ गए हैं और कुछ की रैंकिंग्स में इजाफा हुआ है। तो आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन करके कि आपको कैसी लगी राजकोट टेस्ट में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।